Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पनामा का फैसला हो गया महफूज, अब सियासतदानों के खिलाफ तोहीन अदालत मुकदमात की समाअत। इमरान खान और दानियाल अजीज के खिलाफ तोहीन अदालत केसेस की समाअत आज होगी। सियासी हलकों को एक बार फिर आज शाम 5 बजे चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार। बस बहुत हो गया, आप तो मान जाओ। लीगी हलकों का वजीर दाखिला से इसरार। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। हमने छोड़ा नहीं तुमको, आज शादी कर भी दो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। निहाल हाशमी की धमकी आमेज तकरीर केस पर आज खुद नोटिस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने सीडीज फराहम की हैं, पता नहीं इनमें क्या है। वकील निहाल हाशमी की दलाए। सरकारी सतह पर हज ऑपरेशन का आगाज। इस्लामाबाद से खुसूसी परवाज 327 आजमीन को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। आज मुख्तलिफ शहरों से 8 परवाजों की हिजाज मुकद्दस रवानगी तय। सिंध में नैब कवानीन की मनसूखी का तरमीमी एहतसाब बिल आज फिर असेंबली में पेश किया जाएगा। ऑपोजिशन की मुखालफत के बाइस गर्मा गर्मी और हंगामा आरई का इम्कान। ओग्रा कवानीन पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की मुतालबत की मंजूरी के लिए मुल्क गिर हड़ताल। मुल्क भर में तेल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। मानसून बरसने को बेकरार, कराची से कश्मीर तक मजीद बारिशों का इम्कान। लाहौर पर काली घटाओं का राज। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में बादल किसी भी वक्त बरसेंगे। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। में रेन इमरजेंसी के बावजूद शहरी रिलीफ से महरूम। बरसात के कई रोज बाद भी सुरजानी की डिस्ट्रिक्ट डिस्पेंसरी में पानी जमा होने की वजह से इलाका मकीन इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम। वजीर आला को मेहरबानी करे, हमारे गरीबियों के ऊपर रहम करे, करम करे, ये इसको बनवावे। बच्चों की सहूलत मिलती है या नहीं, ये कोई भी अफसर यहाँ कोई टूर करने के लिए नहीं आया है। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में कार बम धमाका, 24 अफराद हलाक, 42 जख्मी। धमाका शदीद नौयत का था, हलाकते बढ़ने का खदशा है। अफगान वजारत दाखिला का बयान। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का मसालहती मिशन सऊदी अरब के बाद कुवैत पहुंच गए। अमीर कुवैत शेख सबा अल अहमद से मुलाकात में खलीजी ममालिक और कतर के तनाजे पर बातचीत।